रिज़ल्ट अपलोड हुआ तो हम लोग को स्कूल की तरफ से फ़ोन आया कि आपका कुछ टेक्निकल इशू के कारण रिज़ल्ट अभी एक हफ्ते बाद आएगा। हम लोग से ये बोला गया तो हम लोग ने वेट किया, लेकिन अब जब एक महीना होने को आया तब हम लोग जब सभी कॉलेजेस का फॉर्म जो है कंप्लीट होने लगा, फुल होने लगा, तो हम लोग को लगा कि स्कूल कोई अप्रूव नहीं कर रहा, क्योंकि जब भी प्रिंसिपल सर को फ़ोन लगाया जाता तो वो कह रहे हैं हम काम कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। इसीलिए हम लोग ने सब डिसाइड किया कि सीबीएसई आने के लिए हम लोग का ये करीब चौथा अटैम्प्ट है आने का, लेकिन हम लोग को यहाँ से केवल दिलासा दी जा रही है कि आगे कुछ होगा। हम लोग आज डीएम ऑफिस भी अप्रोच किए, वहाँ से एप्लीकेशन जमा किए, जब यहाँ आया तो यहाँ बंद था। हम लोग को बस यही बताया अगर जब रिज़ल्ट में इतना डीले हो जाएगा कि हम लोग का फॉर्म वॉर्म सब खत्म हो जाएगा, हम लोग कोई कॉलेज अप्रोच नहीं करेंगे तो हम लोग का साल बर्बाद होगा ना। ये स्कूल और सीबीएसई ऑफिस का मामला है ना, तो इसमें बच्चे क्यों फंस रहे हैं? बच्चों का, हमारे बच्चों का जिसमें 60-70 बच्चे हैं उनका रिजल्ट घोषित नहीं कर रहा है सीबीएसई बोर्ड। क्यों नहीं कर रहा, क्या बात थी, कहां से आए पूरी ये भी नहीं पता चल रहा है, क्यों नहीं घोषित कर रहे हैं। यहां से कहते हैं स्कूल जाओ, स्कूल वाले कहते हैं सीबीएसई जाओ, स्कूल में ताला लगा हुआ है, हम लोग कहां जाएं? कहां के बच्चे हैं, क्या कहा था? लॉरेंस इंटरनेशनल स्कूल है आपके सारंगापुर इलाहाबाद प्रयागराज। कितने बच्चे इसमें? लगभग 62 बच्चे हैं, किसी का रिजल्ट नहीं आया। अब मैं छात्र का अभिभावक हूँ, मुन्ना केसरवानी। इंटरनेशनल स्कूल की हूँ और हमें कई दिन से, आज लगभग एक महीने से ज़्यादा हो गया है, हमें हमारे रिजल्ट नहीं दिए जा रहे हैं और स्कूल से भी किसी प्रकार का कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है, और हमें हमारे रिजल्ट जल्द से जल्द दिलाया जाए, क्योंकि हमें आगे चल के आगे काफ़ी कॉलेजेस की डेट निकली जा रही है और अब हमें अपना फ्यूचर देखना, जिसका कि हमें कोई भी कुछ भी नहीं दिख रहा है। धन्यवाद। इंटरनेशनल स्कूल की हूँ और हमें कई दिन से, आज लगभग एक महीने से ज़्यादा हो गया है, हमें हमारे रिजल्ट नहीं दिए जा रहे हैं और स्कूल से भी किसी प्रकार का कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है, और हमें हमारे रिजल्ट जल्द से जल्द दिलाया जाए, क्योंकि हमें आगे चल के आगे काफ़ी कॉलेजेस की डेट निकली जा रही है और अब हमें अपना फ्यूचर देखना, जिसका कि हमें कोई भी कुछ भी नहीं दिख रहा है। धन्यवाद।